अभी जो मेरे हाथ में फोन है ये IQ9 है और इसके ऊपर एक 100 रुपए वाला ग्लास लगा रखा है जिसको हम ऐसे स्क्रैच दें तो साइड तक इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आएंगे। एक बार मैं करके देख लेता हूं आपके सामने ही। यानी कि जो नॉर्मल चाकू वगैरह स्टील वगैरह होता है उनसे 100 रुपए वाले ग्लास के ऊपर भी स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं। हैमर ड्रिल का आप बिट देख रहे हो, इसके आगे लग रखा है टंगस्टन। ये जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, अगर इसके थ्रू हम 100 रुपए वाले ग्लास के ऊपर स्क्रैच टेस्ट करें तो कौन जीतेगा। हाँ तो भाई मैं स्क्रैच टेस्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हो इसे थोड़ा सा रगड़ने पर ही इसके ऊपर जो है स्क्रैच आ गए। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो कि ये iPhone 14 के ऊपर स्क्रैच टेस्ट किया जा रहा है जहां पर 7 तक मुश्किल से जो है फोन सर्वाइव कर पा रहा है। अब देखो भाई मैंने इस ग्लास के लिए Amazon को 250 रुपए दिए हैं और OneTech कंपनी का मैंने जो है ग्लास ऑर्डर किया और Amazon ने मेरे को भेजा है पोपियो करके कोई ब्रांड है जिसका डब्बा मेरे को ठीक ठीक सा लग रहा है, पर इसकी जब मैंने Amazon के ऊपर प्राइस देखी पोपियो मेरे फोन के लिए तो इसकी जो प्राइस है 150 रुपए जरूर बता रहा था वहां पर। अब देखो यार ये क्या चीज है क्या नहीं है वो मेरे को नहीं पता है। अब देखो यार ये एक ग्लास है तो इसकी जो पैकेजिंग है वो कंपनी को अच्छी करनी चाहिए। तो कैसी पैकेजिंग आई है तो भाई हाँ ठीक पैकेजिंग है और जो पन्नी भी इसके ऊपर लगा रखी थी वो भी ठीक थी। कुछ ऐसे रैपर में ये जो है रैप होकर के आता है, यानी कि खोलते वक्त भी अगर आपसे ऐसे हाथ ऐसे हो जाए तो मेरे हिसाब से निकलेगा नहीं, क्योंकि नीचे और ऊपर की साइड में ऐसे अटकाने के लिए प्रोटेक्शन दे रखी है। कंपनी ने अलग अलग जगह पर लिख रखा है कि भाई अगर आपका ग्लास ऐसे डैमेज आता है तो आप हमको इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप इसके ऊपर नंबर भी दे रखे हैं तो उनके ऊपर आप हमको फोटो भेज सकते हो ग्लास की और हम आपका जो है प्रोडक्ट रिप्लेस भी कर देंगे। भाई मैं जब भी कोई ग्लास लेता हूँ तो उसके ऊपर ऐसे चिकनाहट जरूर चेक करता हूँ जो कि इस ग्लास की काफ़ी अच्छी है और ये मेरे को ऐसे प्लास्टिक नहीं और ग्लास ही लग रहा है। जो मैंने ब्रांड ऑर्डर किया था वो ब्रांड मेरे पास नहीं पहुंचा और पोपियो कंपनी आई है तो मैं कंपनी को ऐसे कॉल करता हूं। कंपनी को मैंने 3 कॉल कर दिए, 3 में से 1 भी रिसीव नहीं किया और यहां पर लिख भी रखा है यार व्हाट्सएप पर फोटो भेज दो तो हमारा तो ग्लास एकदम क्लियर है तो क्या किस चीज की फोटो भेजें। इस वाले ग्लास के साथ मेरे को एक दिक्कत देखने के लिए मिली थी जिसमें मैंने इसको जो पीछे से स्क्रैच करके मेरे जो फ़ोन का कैमरा है उसको ऐसे सामने लेकर आया मैं, जस्ट लाइक आप देख पा रहे होगे कि भाई इसे पता कैसे चलेगा कि भाई कैमरा कहाँ पर है। आप गाइडर तो दे रहे हो पर इसे इस चीज़ का यहाँ पर इनको ध्यान रखना चाहिए था। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि यहाँ पर होल भी तो दे रखा है यार, कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बैकग्राउंड पूरा। गाइड स्टिकर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे उनके लिए जिन्होंने कभी ग्लास लगाया नहीं है फ़ोन के ऊपर। आई एम ए टेकी गाय तो मैंने इसको जो है इजिली इसके ऊपर इंस्टॉल कर लिया। अगर आप एक टेकी गाय नहीं हो तो भाई मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप दुकान पर जाओ और वहां से इसको जो है लगवा लो। एक इसके अंदर मेरे को बुरी बात ये देखने के लिए मिली है कि इसका जो कैमरा होल आप देख रहे हो यहाँ पर इनको जो है कटआउट नहीं देना चाहिए था। इतने छोटे होल में अब अगर मैं यहाँ पर कैमरे को साफ करना चाहूँ तो कैसे साफ करूंगा, इस चीज के बारे में एक बार कंपनी को जरूर सोचना चाहिए। रिव्यू अबाउट 2 डेज यूजिंग दिस ग्लास। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप ऐसे कॉइन्स वगैरह से इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह लाते हो तो इस वाले ग्लास के ऊपर कॉइन्स या फिर ऐसे चाबियां हो गई या फिर ऐसे कोई छल्ले वगैरह हो गए कीलें हो गई इनसे इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आता है। और अगर आप ऐसे टंगस्टन जो मैंने पहले आपको बताया था अगर आप टंगस्टन वगैरह से इसके ऊपर ऐसे स्क्रैचेस वगैरह लाते हो तो 100% टंगस्टन से इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे। यानी कि 7 से हार्डेस्ट ग्लास अभी तक बना नहीं है तो अगर हम इसको ऐसे रेत से रगड़ेंगे तो 100% इजिली यहाँ पर जो है स्क्रैचेस हमको विजिबल हो जाएंगे। उनकी हार्डनेस 8 से ऊपर होती है लगभग 8.5 के आसपास और जो ग्लास होते हैं
जैसे सेरेमिक ग्लास हो गए, तो वो 7 तक ऐसे मोस्टली कोई से एक ही ग्लास होता है जो एप्पल का हाईएस्ट ग्लास, वो 7 तक टिक पाते हैं। स्क्रैचेस 5.5 के बाद जो है विजिबल होने लगते हैं, जैसे कि 5.5 से ऊपर का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन वाले ग्लास के ऊपर ऐसे हम रगड़ें लगातार लंबे टाइम तक, तो स्क्रैचेस 100% हमको जो है विजिबल होंगे। मैंने इससे पहले कोई भी ऐसा ग्लास यूज नहीं किया जो कि 100 रुपए से ऊपर का हो, इसकी जो स्मूथनेस है वो ज्यादा बेटर लगी मेरे को 100 या 50 रुपए वाले किसी भी टेम्पर्ड ग्लास के मुकाबले। तो इसकी जो बॉर्डर्स है वाकई में मेरे को तो मजा ही आ गया, और इसकी जो स्मूथनेस है वाकई में तगड़ी है। ऐसे मैंने पबजी भी 3-4 घंटे खेल करके देखा। इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है, जब ऐसे एकदम इसको साफ कर देते हैं ना कपड़े से एकदम पानी लगा करके, तो भाई इसकी चिकनाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम फिंगरप्रिंट्स ऐसे इसके ऊपर ज्यादा लगाते हैं, और एक वो ऑयल जो होता है नेचुरल ऑयल हाथों का, वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, उसके बाद इसमें जो है ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है। ये चीज मैंने इसमें एक नोटिस की है। और हाँ भाई, कंपनी का फीडबैक 250 रुपए के हिसाब से देखें तो भाई मार्केट में अगर आप जाओगे तो 180 रुपए के आसपास ऐसे आपको ग्लास देखने के लिए मिल जाएंगे। पर भाई हाँ यार, कंपनी खुद आपके घर पर प्रोडक्ट पहुंचा रही है, इसके अलावा उनका जो पैकेजिंग है इसकी भी तो कॉस्ट लगती है। तो अगर आप ऐसे रूरल एरिया में रहते हो जहाँ पर आप जा नहीं सकते हो ऐसे शॉप्स के ऊपर और ग्लास नहीं लगवा सकते हो, तो ये वाला ग्लास काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। ज़्यादा ऐसे ग्लासों का मैंने जो है तोड़ा फोड़ा किया नहीं, क्योंकि पैसे मैं मेरे जेब से ही देता हूँ और इतनी इनकम अभी जो है यूट्यूब से होती नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सबकी जो एक एक लाइक है मेरे को मोटिव करती है आगे बेटर कंटेंट बनाने के लिए, और ज्यादा ऐसे फोकस करके आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा पाऊं मैं इस चीज के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करो भाई, अच्छा लगता है और एक ऐसे अंदर से जनून आता है उस चीज को देख करके भी ज्यादा लाइक आई तो हम इस बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें ज्यादा हम वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो भाई प्लीज यार ये चीज कर दो आप।